Hey guys, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ सामक के चावल यानी भगर का खिचड़ी। एक्चुअली लोग इसे उपवास में खाना पसंद करते हैं, तो आप कह सकते हो कि आज मैं उपवास की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिया हुआ है घी। घी मैंने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच घी गरम करने को रखा हुआ है। गैस मेरा ऑन है, इसे मैंने अभी लो फ्लेम पे रखा है। ये मैंने सामक का चावल लिया हुआ है, ये इस कटोरी से आधा कटोरी है। इस चावल को मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था और फिर अच्छे से धोकर पानी से निकाल लिया हुआ है। 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच मूंगफली जिसे कि मैंने रोस्ट करा हुआ है, गोलमिर्च पाउडर, सेंधा नमक, 1 उबला हुआ आलू जिसे मैंने काट लिया हुआ है, 1 बड़ा चम्मच धनिया के पत्ते इसे भी मैंने काटा हुआ है, 5 से 10 कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो घी यहाँ पे गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी ये जीरा। जीरा स्प्लटर होने लगा है तो मैं यहाँ पे ये कड़ी पत्ते, आलू और मिर्ची साथ में ही ऐड करूंगी। और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लूंगी। इन आलूओं को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सामक के चावल और इन्हें भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूंगी। इन चावलों को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने जितना चावल लिया था ना, उसका दुगना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और ऊपर से ऐड करेंगे ये 1/2 छोटा चम्मच गोलमिर्च पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर गैस की आंच करेंगे तेज और लगा देंगे ढक्कन और वेट करते हैं इन चावलों को पकने का। चलिए अब हम खिचड़ी चेक कर लेते हैं। खिचड़ी अच्छी तरह पक चुकी है, ये देखिए ये कैसे खिले खिले बने हुए हैं। अब हम ऊपर से ये कटे हुए धनिया के पत्ते और ये रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इन्हें सर्व भी कर लेते हैं।
तो ये मेरे सामा के चावल की खिचड़ी या उपमा आप जो भी कहिए अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो टेस्ट इज अमेजिंग, सुपर, बहुत ही बढ़िया बना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इस खिचड़ी को बनाने का तरीका भी पसंद आया होगा और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।